हेलो दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किए थे अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल अधिकरण के बारे में। ठीक है, आज बात करेंगे हम लोग इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के बारे में। क्या है ये? आपकी राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के बारे में। पहले इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस ऑफ इंडिया था। इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का पहले क्या नाम था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस ऑफ इंडिया, जिसे 1970 में बदलकर इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी कर दिया गया। इसकी स्थापना की बात करें तो 7 जनवरी 1935 को हुई थी। कहाँ? कलकत्ता में। इसका अभी 1946 तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में इसका मुख्यालय रहा। 1935 से 1946 तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में, यानी कि कोलकाता में ही इसका मुख्यालय रहा। लेकिन 1951 में इसका स्थानांतरण दिल्ली में हो गया। तो अब आपका इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, इसके उद्देश्यों की बात करें हम लोग, तो इसके उद्देश्यों में शामिल है भारत में राष्ट्रीय कल्याण की समस्याओं पर इसके व्यवहारिक अनुपयोग सहित वैज्ञानिक ज्ञान का संवर्धन। इसके उद्देश्यों में शामिल है वैज्ञानिक अकादमियों, सभाओं, संस्थाओं, सरकार के वैज्ञानिक विभागों और सेवाओं के बीच समन्वय बनाना, भारत में वैज्ञानिकों के हितों के संवर्धन तथा रक्षा के लिए और देश के लिए किए गए वैज्ञानिक काम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के एक निकाय के रूप में काम करना आपके इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है। इसके मुख्य उद्देश्यों में अन्य कार्य भी शामिल हैं, जैसे वांछनीय समझी जाने वाली कार्रवाइयाँ, जर्नल, संस्मरण तथा अन्य रचनाएं विकसित करना, विज्ञान और मानविकी के बीच संपर्क बढ़ाना और बनाए रखना, विज्ञान के संवर्धन के लिए निधियाँ तथा स्थायी निधियाँ जुटाना और उनका प्रबंधन करना आपकी भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का मुख्य कार्य है। ऐसे अन्य सभी काम करना जो अकादमी के उपयुक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक हों, उससे सहायता करें। इसके मुख्य कार्यों की बात करें, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के मुख्य कार्यों की बात करें, तो इसके कार्यों में शामिल हैं आपके पत्रिकाओं को प्रकाशित करना, वैज्ञानिक चर्चा का आयोजन करना और मोनोग्राफ और अन्य प्रकाशनों को सामने लाना। इसके कार्यों में शामिल है अकादमी जन जागरूकता और विज्ञान की समझ को बढ़ावा देती है, वैज्ञानिक समुदाय और योजनाओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हुए या सरकार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह भी देता है, या देश के भीतर और बाहर वैज्ञानिकों के बीच बातचीत के लिए एक मंच के रूप में कार्य भी करता है। यह पदक पुरस्कार के माध्यम से और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उत्कृष्ट युवा वैज्ञानिक इंजीनियरों और प्रौद्योगिकी विदों को प्रोत्साहित भी करता है। तो यह आपका भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी। याद रखिए कि अभी चंदीमा सहाय को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का पहला महिला अध्यक्ष चुना गया 2019 में। ठीक है, चंद्रिका जो साय हैं साल 2020 से अपना कार्यभार संभालेंगी, 20 से संभाल रही हैं, ये अजय कुमार सूद की जगह लेंगे। पहले कौन थे? अजय कुमार सूद। ठीक, तो ये थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी। आगे हम लोग बात करेंगे UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। ठीक,